यस बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। सो टुडे वी विल डिस्कस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या डिस्कस करना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ टुडे वी विल डिस्कस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर, यूनिफॉर्म इन नेचर। तो अब चेक करते हैं कि पार्टिकल किस टाइप से मूव करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बेटा डिस्कस करने से पहले कुछ इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो हमें पहले कंसीडर करने, हम पहले उनको चेक करना है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो रेस्ट पे है या मोशन में है, दोनों केस में वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मीनिंग चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो या मोशन में हो, दोनों केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, दोनों केस में वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नंबर टू पॉइंट, अगर पार्टिकल आपका पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। अगर पार्टिकल पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। नेक्स्ट, अगर पार्टिकल नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स से अपोजिट होगी। तो अगर साइन चार्ज पार्टिकल का नेगेटिव है तो उस केस में उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगा। तो यहां पर फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, नोटेशन के साथ आएगा। नाउ यहां फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस क्यू ई विथ वेक्टर साइन। नाउ नंबर थ्री पॉइंट आपका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेचर में कंजर्वेटिव होगी, नाउ इनिशियली वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कंजर्वेटिव होगी नेचर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो फील्ड भी आपकी कंजर्वेटिव होगी। इसका मीनिंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स both do not depend on shape of path, they are independent of path। इसका मीनिंग जो वर्क डन आएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ. इसका मीनिंग जो वर्क डन आएगा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन. इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ. तो ये आपको माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव होती है नेचर में. इसका मीनिंग डब्ल्यू ए बी क्यू वी ए माइनस वी बी एंड डब्ल्यू बी ए दैट इज क्यू वी बी माइनस वी ए. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे देन डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इट इज इक्वल टू जीरो. इट इज इक्वल टू जीरो. इसका मीनिंग ए से बी जाने में जो वर्कडन होगा और जो बी से ए आने में जो वर्कडन होगा वो वर्कडन कैसा होगा? इक्वल, इक्वल इन वैल्यू एंड अपोजिट इन साइन. तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो नेट आंसर क्या आएगा आपका? जीरो आएगा. इसका मीनिंग एक क्लोज्ड पाथ में, एक क्लोज्ड पाथ में जो वर्कडन होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या आएगा? दैट इज जीरो. ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मीनिंग अगर आपका ट्रिप क्लोजिंग पाथ कैरी कर रहा है, अगर आपका ट्रिप, अगर आपका पाथ क्लोज्ड फॉर्म में है तो उस क्लोज्ड फॉर्म में टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर जीरो आता है, इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव है. सो दिस इज कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नेचर. तो यहां पर इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो वर्क डन आएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाय अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों केस में जो वर्क डन आएगा वो शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. देन नंबर फोर, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब आपको मालूम होगा कि हमने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, हमने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में ये थ्योरम स्टडी की थी, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर इक्वल टू वर्क डन. तो अब इसी थ्योरम को हम यहां लगाएंगे और यहां से चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. हाफ एम v स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है तो u जीरो हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू q v इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास इनटू टू अंडर रूट. तो वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा? q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू टू अपॉन मास एंड स्क्वेयर रूट. तो स्क्वेयर रूट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? 2q v पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, अपॉन मास ऑफ पार्टिकल. तो वेलोसिटी का आंसर हमें मिल चुका है. इस वेलोसिटी से फाइनली चार्ज पार्टिकल आपका, इस वेलोसिटी से फाइनली चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज नंबर फाइव पॉइंट, नंबर फाइव पॉइंट इज दैट ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी वीक
एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में काफी स्मॉलर होगा। इसका मीनिंग हम यहां पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देंगे, हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देंगे। ग्रेविटी को हमें क्या करना है, नेगलेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो अब हम यहां पर जो एक्सेलरेशन निकालेंगे चार्ज पार्टिकल का वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, दैट इज विद रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो अब हम यहां पर जो एक्सेलरेशन निकालेंगे चार्ज पार्टिकल का वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इसका मीनिंग नाउ एम ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू ई। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां पर अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे चार्ज पार्टिकल का तो उस केस में हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देंगे। रीजन क्या है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो ये हमें माइंड में रखना है और इन की पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना है, और फिर हम इन की पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे और फिर हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करते हैं बेटा चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। तो केस नंबर वन लेंगे हम, केस नंबर वन, अगर चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, अगर चार्ज पार्टिकल आपका इनिशियली रेस्ट पे है u इक्वल टू जीरो, और हमने इसको कैसे रखा है, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड इट इज प्लेस्ड, एंड इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने चार्ज पार्टिकल को इनिशियली रेस्ट पे लिया है और इसको कैसे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चेक करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी बनेगी, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे एमिट होंगी बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब हमें चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, और इनिशियली चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, और कहां रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आपने प्रोटॉन को रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। तो अब चेक करो प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो। अब प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज प्लेट से फोर्स कहां मिलेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो प्रोटॉन कहां अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और कहां से रिपेल होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से रिपेल होगा। तो अब ये कहां एक्सेलरेट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग फोर्स जो प्रोटॉन पे लगेगा दैट इज एम ए, ये एम ए आपका फोर्स किसकी हेल्प से बना है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इसका मीनिंग एम ए किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। ये बेटा ध्यान रखना कि जब भी चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैरी करेगा, और आपने उसको कैसे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन कहां से आएगा, थ्रू इलेक्ट्रोस्टेटिक
फोर्स, तो आपको ये माइंड में रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक एक्सेलरेशन इन चार्ज पार्टिकल. तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई बाय एम. नाउ इफ क्यू इज कॉन्स्टेंट, मास इज कॉन्स्टेंट, ई इज कॉन्स्टेंट, नाउ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इसका मीनिंग हम यहां पर काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगा सकते हैं. तो हम यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशंस यहां लगा सकते हैं. तो काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशंस कौन कौन सी होती थी बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ टेल मी ए क्यू ई बाय एम इंटू टाइम टी. Now v proportional to time t. Now separation between positive plate and negative plate, that is d. Now s equal to ut plus half at square. Now s equal to u 0 plus half a. A means qe by m into t square. Now displacement equal to d and d proportional to t square. Now acceleration proportional to time power 0. It means यहां पर displacement और distance किस पे depend कर रहा है, t square पे. Velocity किस पे depend कर रही है, t पे. और acceleration किस पे depend कर रहा है, t power 0. It means acceleration is constant. तो यहां पर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट होगा. नाउ वी हैव स्ट्रेट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल. सो दीज आर कंडीशंस ऑफ uniformly accelerated motion in which acceleration kept constant. Now we have straight path of charged particle, that is plus q. तो अगर मैं proton रखूंगा यहाँ पर, तो मेरा जो acceleration आएगा qe by m आएगा. अगर मैं electron रखूंगा यहाँ पर, तो electron में भी मेरा acceleration क्या आएगा, qe by m आएगा. But electron के ऊपर जो force लगेगा, वो force कहाँ लगेगा, towards positively charged plate. अब इन दोनों में से प्रोटॉन के एक्सेलरेशन में से और इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन में से कौन सा एक्सेलरेशन आपका ज्यादा होगा. अब चेक करो किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का. प्रोटॉन का मास आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन acceleration of proton. Acceleration of electron is more than acceleration of proton. तो आपको ये mind में रखना है कि uniformly accelerated motion वाली equations के अंदर जो straight line path होता है, उसके अंदर conditions क्या होती हैं? V proportional to t, s proportional to t square and a proportional to t power 0. तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. इसका मीनिंग इन कंडीशंस में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा. नाउ नेक्स्ट केस अब डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट केस में क्या होगा कि अब चार्ज पार्टिकल आपका इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा. अब चेक करते हैं कैसे पॉसिबल होगा ये. अभी चेक कर लेते हैं. नाउ केस नंबर टू. अब केस नंबर टू में क्या होगा, इन केस नंबर टू पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट. u इक्वल टू जीरो. पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है,
और u इक्वल टू जीरो है, और हमने इसको कहां रखा है, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग हमने इसको कहां रखा है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग यहां पर जो पार्टिकल है, यहां पर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या बेटा, यहां पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं होंगी, यहां पर वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। अब चेक करते हैं वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बनेंगी। अब हम चार्ज्ड प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, पहले ये वर्टिकल थी, अब हमने इनको कर दिया हॉरिजॉन्टल। तो अब यहां पर जो लाइंस बनेंगी वो लाइंस कैसी होंगी, वर्टिकल होंगी। अब इन वर्टिकल लाइंस में आप किसको रखोगे, प्रोटॉन को रखोगे। अब प्रोटॉन आपका वर्टिकल लाइन में रखा हुआ है, इसका मीनिंग अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो अब प्रोटॉन आपका वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखा हुआ है, अब यहां पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब चेक करो बेटा, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो अब चेक करो ये कहां अट्रैक्ट होगा, ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कहां अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो प्रोटॉन पे फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, टूवर्ड नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब चेक करो कि जो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा या उससे अपोजिट होगा। चेक कर सकते हो फोर्स कहां लगेगा, टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ये कहां अट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और लाइंस भी कैसे आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। सो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब यहां पर चेक करो आप कि जब ये चार्ज पार्टिकल, जब ये प्रोटॉन आपका एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स बनेगा वो फोर्स कितना एक्सेलरेशन बनाएगा, एम ए इक्वल टू क्यू ई, एम ए इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन का क्या आंसर आएगा, क्यू ई बाय एम, इट इज क्यू ई बाय एम। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, वही सेम आंसर आएगा, दैट इज A इक्वल टू क्यू ई बाय एम, A इक्वल टू क्यू ई बाय एम। तो इसी टाइप से हम प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपका कहां डिफ्लेक्ट होगा, कहां मूव करेगा, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और प्रोटॉन कहां मूव करेगा, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इन बोथ केसेस वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई बाय एम, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। नाउ लास्ट केस ऑफ डिस्कशन इज अभी लास्ट केस डिस्कस करते हैं। तो लास्ट केस डिस्कस करने से पहले हम वर्कडन भी निकाल लेते हैं, वर्कडन by electrostatic force, work done by electrostatic force. Now tell me formula of work done, that is force into displacement, और दोनों plates के बीच में separation क्या था बेटा, d, तो force into d. Now tell me force का formula बोलो बेटा, that is q e into d. Now work done is equal to q e into d, और work done का बेटा एक formula और भी होता है, that is charge into potential difference, charge into potential difference. तो q से q cancel, now tell me potential difference किसके equal आ रहा है, it is e into d. हाँ, तो हमें यहां पर एक नया formula मिल चुका है, किसका formula मिल चुका है, potential difference का। और ये formula कैसे मिला हमें, कि हमारे पास दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव और एक प्लेट कैसी थी, नेगेटिव।
पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में हमने किसको रखा, प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन आपका कहां मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर कितना काम करेगा, उसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना सेपरेशन है, डी। नाउ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्यू ई इंटू डी। नाउ वर्क डन का बेटा एक फॉर्मूला और हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू से क्यू कैंसिल, तो अब यहां पर बोलो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ई इंटू डी, दैट इज ई इंटू डी। नाउ वी गॉट न्यू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। नाउ लास्ट केस अब हम डिस्कस करेंगे, अब चेक करते हैं लास्ट केस में क्या होगा। इन लास्ट केस केस नंबर 3, नाउ वी हैव वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, नाउ वी हैव वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो लास्ट केस में बेटा अब पार्टिकल आपका वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में आएगा, और पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन जीरो होगी, और पार्टिकल कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टली आएगा। पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। केस नंबर 3, when a charged particle enters in vertical electric field of lines with uniform horizontal velocity, अब चेक करो कि अब चार्ज पार्टिकल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में कैसे एंट्री लेगा, हॉरिजॉन्टली। कैसे एंट्री लेगा बेटा, हॉरिजॉन्टली। तो ये आपको आर्टिकल किसकी याद दिलाएगा, आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इन काइनेमेटिक्स, तो वहां पर दो टाइप के प्रोजेक्शन थे, एंगुलर प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो यहां पर अब पार्टिकल किस प्रोजेक्शन में आएगा, दैट इज एन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो अब यहां पर पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आएगा। अब चेक करते हैं कि अगर प्रोटॉन आपका हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कैरी करेगा, तो उस केस में उसका पाथ कैसा होगा, चेक करते हैं बेटा कि अगर प्रोटॉन आपका हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कैरी करेगा, ux का मीनिंग क्या है, ux is equal to initial velocity along horizontal direction, अब चेक करते हैं कि यहां से प्रोटॉन चलेगा और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज ux। इसका मीनिंग किसी ने प्रोटॉन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, किसके अंदर, इन वर्टिकल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसी ने चार्ज पार्टिकल को वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया है, तो अब चेक करते हैं अब क्या होगा इसका पाथ। अब प्लस क्यू कहां अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो इसका पाथ बेटा इस टाइप से होगा, इसका पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, और आपको मालूम है ऐसा सेम पाथ आपने ट्रेस किया था 11th क्लास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, तो अगर आपको 11th क्लास वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला चैप्टर अगर थोड़ा सा भी याद है, तो आपको यहां पर बिल्कुल वही सेम सिमिलरिटी मिलेगी, आपको वही सेम इक्वेशंस यहां मिलेंगी। अब चेक करते हैं कि अगर पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टली यहां थ्रो हुआ है, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज यू एक्स, प्लस की उसका चार्ज है और उसका नेम क्या है, दैट इज प्रोटॉन।
तो अब चेक करते हैं सबसे पहले कि अगर इसके पास यू एक्स है तो सबसे पहले हम इक्वेशन कौन से लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ अब आपको ये चेक करना है कि v x की वैल्यू क्या होगी, v x की वैल्यू क्या होगी। नाउ इट इज u x प्लस, नाउ इट इज u x प्लस। अब चेक करो कि प्लस क्यू पे फोर्स कहां लगेगा, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने पढ़ रखा है कि प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन पे फोर्स बेटा कहां लग रहा है, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर जहां फोर्स है तो वहीं पर एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला बोलो बेटा क्या होता है, एम ए। तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी। इसका मीनिंग दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन कहां पर है, नीचे है, और चार्ज पार्टिकल इनिशियली कहां मूव कर रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका मीनिंग क्या, एक्सेलरेशन आपका सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन आपका वर्टिकल डायरेक्शन में तो होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मीनिंग यहां पर ए एक्स इंटू टी आएगा और ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो वी एक्स किसके इक्वल आएगा, यू एक्स के इक्वल आएगा। इसका मीनिंग थ्रू आउट द मोशन देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अब चेक करते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन इज मास इंटू ए वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। नाउ ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, नाउ ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। तो हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। चेक करते हैं क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब चेक करो इस पार्टिकल ने यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। अब चेक करते हैं इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये इसका कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल, और ये इसका कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल। नाउ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो सबसे पहले आप चेक करो कि अगर आप इस इक्वेशन को लगाओगे किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर, तो x आएगा, यू एक्स आएगा, t आएगा प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। नाउ एज वी नो दैट ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, इक्वेशन नंबर वन। अब इसी सेम इक्वेशन किस पे लगाओगे, वर्टिकल मोशन पे लगाओगे। यही सेम इक्वेशन किसके ऊपर लगेगी, पहले किसके ऊपर लगी, x के ऊपर, अब किसके ऊपर लगेगी, y के ऊपर लगेगी। अब बोलो क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। नाउ टेल मी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कौन सी है, यू एक्स है, यू वाई है, इट इज यू एक्स, तो यू वाई जीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए वाई, बोलो बेटा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वेयर, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वेयर। अब इक्वेशन नंबर वन में चेक करो बेटा एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स इंटू टी। अब इक्वेशन नंबर वन में से बोलो टाइम की वैल्यू क्या है, इट इज एक्स अपॉन यू एक्स, इट इज एक्स अपॉन यू एक्स। Now y is equal to half q e by m, और t को हटा दो यहां से, किससे हटाओगे, x upon u x से। Now it is x square upon u x square, now it is x square upon u x square, now it is x square upon
यू एक्स स्क्वेयर हाफ क्यू ई बाय एम एक्स स्क्वेयर अपॉन यू एक्स स्क्वेयर. नाउ वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर. बेटा क्यू भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो वाई किस पे डिपेंड करेगा? That is proportional to x square. Y depends on x square. और ये कंडीशन किसकी होती है बेटा? पैराबोलिक पाथ की. ये 11th क्लास में भी था कि अगर पैराबोलिक पाथ, तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. कब फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ? जब हम उसको वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. और इस केस में हम उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी निकाल लेंगे और हम उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल लेंगे. इसका मीनिंग क्या है कि इस आर्टिकल में हम प्रोटॉन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, हम प्रोटॉन का वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी निकाल लेंगे. दैट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन. तो अगर हमें प्लेट्स की लेंथ गिवन है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें सिर्फ निकालना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका प्लेट्स की लेंथ के इक्वल हो जाएगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम प्लेट्स की लेंथ गिवन है तो एक्स की वैल्यू प्लेट्स की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, अगर हमें x इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट रखना है तो हमें यहां से टाइम का आंसर मिल जाएगा, अगर हमें x किसके इक्वल पुट करना है, लेंथ ऑफ प्लेट. अगर लेंथ ऑफ प्लेट हमें गिवन है, नाउ लेंथ ऑफ प्लेट अगर हमें गिवन है तो लेंथ ऑफ प्लेट आपका x हो जाएगा, और अगर हमें ux गिवन है तो हम इजिली यहां से टाइम निकाल लेंगे, तो इस टाइप से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में एंट्री लेगा तो उसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. उस केस में ये इसका बनेगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन. ये वाई वन हो जाएगा और ये वाई टू हो जाएगा. तो इस टाइप से हम चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में डिस्कस करते हैं. तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब चेक करो, नंबर वन न्यूमेरिकल कौन सा है बेटा? टू पॉइंट चार्जेस. नंबर वन न्यूमेरिकल है टू पॉइंट चार्जेस. हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस नाइन माइक्रोकूलम. तो बेटा इन दोनों के बीच में हमें कितना सेपरेशन गिवन है? दैट इज 8 सेंटीमीटर. आप चेक करो, तो हमारे पास एक है प्लस 16 माइक्रोकूलम और नंबर टू पॉइंट चार्ज क्या है? माइनस 9 माइक्रोकूलम. तो हमें इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? हमें ऐसी पोजीशन निकालनी है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर इन दोनों की जो नेट फील्ड आएगी वो हमें जीरो मिलेगी. तो अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे प्लस क्यू नॉट, तो अगर हम दोनों के बीच में कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, तो अगर मैं टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लूंगा तो प्लस क्यू नॉट आपका प्लस 16 से रिपेल होगा और माइनस 9 से अट्रैक्ट होगा. इसका मीनिंग यहां पर दोनों फील्ड आपकी ऐड हो जाएंगी और यहां पर नेट फील्ड आपकी जीरो नहीं आएगी. तो ये तो अब डिसाइड हो गया कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कहीं पर भी आपको नेट फील्ड जीरो नहीं मिलेगी, इसका मीनिंग हमें टेस्ट चार्ज इन दोनों के बीच में नहीं लेना. तो हम टेस्ट चार्ज कहां लेंगे? इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से बाहर लेंगे, तो अब हम टेस्ट चार्ज कहां लेंगे? इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से बाहर लेंगे. तो बाहर लेंगे तो देखते हैं अब क्या होगा.
तो ये पॉइंट हमने पी ले लिया, ये पॉइंट हमने बी ले लिया, ये पॉइंट हमने ए ले लिया। तो इस टाइप से हम पी पॉइंट को इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से बाहर लेंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी जीरो होनी चाहिए। पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी जीरो होनी चाहिए। अब चेक करते हैं कि पी पॉइंट पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी। इन दोनों के बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है और बी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में सेपरेशन हमने एक्स ले लिया है, दैट इज सेपरेशन एक्स। नाउ अब चेक करो बेटा कि 16 माइक्रोकूलम की जो फील्ड आएगी पी पॉइंट पे वो फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, दैट इज आउटवर्ड। प्लस की लाइंस कैसी होती हैं बेटा, आउटवर्ड होती हैं। तो पी पॉइंट पे जो प्लस क्यू नोट आप एज्यूम करोगे तो प्लस क्यू नोट आपका प्लस 16 से रिपेल होगा। नाउ ये फील्ड आपकी कैसी आएगी, आउटवर्ड आएगी। नाउ -9 के फील्ड आपकी पी पॉइंट पे कैसी आएगी, इनवर्ड आएगी, दैट इज ई टू। अब ये दोनों फील्ड अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो पी पॉइंट पे नेट फील्ड का आंसर जीरो आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि E1 की वैल्यू क्या होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी। E1 बोलो क्या होगा, फील्ड ड्यू टू 16 माइक्रोकूलम, अपॉन ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बेटा, 16 ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, दैट इज 8 सेंटीमीटर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ E2 के इंटू 9 हमें लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 9 × 10⁻⁶ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर पी पॉइंट पे नेट फील्ड आपकी जीरो है तो E1 और E2 वैल्यू में कैसे होंगे, इक्वल, और डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट। तो अब क्या रखेंगे, के 16 × 10⁻⁶ अपॉन 8 + x होल स्क्वायर इक्वल टू के 9 × 10⁻⁶ अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ के से के कैंसिल, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आंसर आएगा, 4 / 8 + x इक्वल टू 3 / x। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4x इक्वल टू 3 × 8 + x, 4x इक्वल टू 3 × 8 + x। तो अब क्या आंसर आएगा बेटा, नाउ इट इज 4x - 3x = 24। नाउ x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.24 मीटर। इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0.24 मीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग जो P पॉइंट है वो अगर -9 से 24 सेंटीमीटर अवे लिया होगा तो P पॉइंट पे नेट फील्ड का आंसर क्या आएगा, नेट फील्ड का आंसर P पॉइंट पे जीरो आएगा, नेट फील्ड का आंसर P पॉइंट पे जीरो आएगा। सो दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ नंबर 2 न्यूमेरिकल अब चेक करेंगे, दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल, अब नंबर 2 न्यूमेरिकल हम चेक करेंगे। नंबर 2 न्यूमेरिकल क्या है बेटा, जल्दी से इसको रब करेंगे और नंबर 2 न्यूमेरिकल हम चेक करेंगे, नंबर 2 न्यूमेरिकल क्या है, हमें पेंडुलम गिवन है, पेंडुलम